मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 जुलाई 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। अच्छा देखिए, इस बजट में टैक्स में राहत और किसानों पर फोकस रह सकता है। वहीं बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस रह सकता है। अच्छा बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, राजस्थान में भजनलाल सरकार 10 जुलाई को बजट पेश करेगी। राजस्थान में करीब 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब राज्य का बजट केंद्र सरकार के बजट से पहले आएगा। बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को भजनलाल सरकार 75,000 सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। वहीं पेट्रोल डीजल भी सस्ता करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। वहीं आयुष्मान में जो महंगे इलाज वाली बीमारियां हैं उनको शामिल करके गरीबों को बड़ी राहत दे सकती है। आगे बढ़ते हैं देश की एक और बड़ी खबर। हाथरस हादसे के बाद पहली बार भोले बाबा सामने आया। शनिवार सुबह न्यूज एजेंसी ANI से कहा, हम 2 जुलाई की भगदड़ की घटना से बेहद दुखी है। बाबा ने कहा, हमें और संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा रखे। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही में बाबा यह भी कहता हुआ नजर आया, मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद हमारी कमेटी करेगी। इधर न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंच गई है। यहां DM और SP से पूछताछ होगी। वहीं आपको बता दूं, पुलिस सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश को भी हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार को मुख्य आरोपी देव प्रकाश ने दिल्ली में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। आगे बढ़ जाते हैं आपके लिए बड़ी और काम की खबर। अगर आप ऐसी स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं जहां पर आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, तो इसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF स्कीम आपके लिए सही साबित हो सकती है, क्योंकि इस स्कीम के तहत सालाना 7.1% ब्याज दिया जाता है। और अच्छी बात तो यह है, इसमें हर महीने सिर्फ 500 रुपए में भी निवेश करके आप आसानी से लखपति बन सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में निवेश करने पर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। केवल 500 रुपए में आप PPF अकाउंट खोल सकते हैं। किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा करवाने की आवश्यकता होगी, जबकि अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख रुपए सालाना तय की गई है। अच्छा आपको ये भी बता दूं, PPF अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते में पैसा निकाला नहीं जा सकता, यानी कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अब आपको बता दूं, जैसा कि आप PPF योजना में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और 500 रुपए हर महीने जमा करवाते हैं, वह भी 15 साल तक, तो 15 सालों के बाद आपको 1.62 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी प्रकार जैसे आप महीने में 1,000 रुपए जमा करवा देते हैं तो आपको 15 सालों के बाद 3.25 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप PPF में 3,000 रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 सालों के बाद 9.76 लाख रुपए मिलेंगे। आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम का अकाउंट खोल सकता है जहां पर आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपको अच्छा ब्याज भी मिलता रहेगा। PPF स्कीम में अगर आप 1,000 या 2,000 रुपए महीने का निवेश करोगे तो भी 10-15 सालों के बाद आपके हाथ में बड़ी रकम होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। रेलवे राजस्थान में रेल नेटवर्क को मजबूती देने में जुटा है। इसके तहत रेलवे 862 किलोमीटर में नई लाइनें बिछाएगा। इसके अलावा 1441 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाना भी प्रस्तावित है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों सौगातों के अलावा खातीपुरा जयपुर में भट्टों की गली, उमरा व लालगढ़ बीकानेर में कोचिंग डिपो भी बनाए जाएंगे। राजस्थान के लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है, रेलवे बोर्ड अब कोटपुतली, सालासर, टोंक, चाकसू को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने में जुट गया है। साथ ही में जयपुर से चौमू, सामोद, रिंगस, सीकर, लोहारू समेत कई लाइनों का दोहरीकरण की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने इन सुविधाओं के लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। आगामी रेल बजट में इनको शामिल किया जाना लगभग तय है। इस सर्वे के बाद खाटू श्याम जी
सालासर, सुजानगढ़ और कोटपुतली तथा नागौर फलोदी व डेगाना बाईपास होते हुए नई रेल लाइनें बिछाई जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश में इस बार कमजोर प्री मानसून, तेज गर्मी और भीषण लू की वजह से इस बार टिड्डी के पनपने का खतरा कम हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सर्वेक्षण में जून के अंत तक रेगिस्तानी क्षेत्रों में सामूहिक और एकल टिड्डियों की कोई भी हलचल नहीं मिली है। किसानों के लिए यह सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि खासकर पश्चिमी राजस्थान में यह टिड्डियां पूरे खेत के खेत ही चट कर देती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में बारिश के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने औचक निरीक्षण पर निकले। शनिवार को सीएम भजन लाल सीएमओ में मौजूद थे। इस दौरान अचानक जयपुर शहर का दौरा करने निकल गए। इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भी नहीं दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही में मानसरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई कार्यवाही का भी जायजा लिया। आपको बता दूं, यहां पर कुछ ही दिनों पहले अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। करीब 600 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून की एक्टिविटी तेज हो गई है। कई शहरों में अब हालात बिगड़ने लगे। कोटा में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। यहां पर शनिवार को सुबह पार्वती नदी उफान पर आ गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के राउत भाटा तहसील क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार लेकर लौट रहे एक 7 साल के बच्चे की पानी में भरे गड्ढे से गिरने से मौत हो गई। हादसा शुक्रवार दोपहर को हुआ। वहीं टोंक के भी कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। वहां पर तेज बारिश से बिगड़े हालातों की वजह से टोंक में कल सभी स्कूल में स्टूडेंट के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई थी। अच्छा देखिए, राजस्थान के एक तरफ तो भारी बारिश ने जबरदस्त कहर मचा रखा है, लेकिन प्रदेश के कुछ एक जिले अभी भी ऐसे हैं जहां बारिश का इंतजार पूरा नहीं हो पा रहा है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 7 और 8 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। हालांकि आज और कल राजस्थान के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। उसके बाद 9 और 10 जुलाई को एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जोधपुर संभाग में आगामी 2-3 दिनों के दौरान दोपहर के बाद कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं, अब की बार जोधपुर संभाग में बारिश की सबसे ज्यादा कमी बनी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है, मॉनसून फिलहाल सक्रिय रहेगा। जोधपुर संभाग के पूर्वी व उत्तरी भागों में आज और कल बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते के बाद ही भारत को जिम्बाब्वे से हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया को जिम्बाब्वे ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में 13 रनों से हरा दिया है। दरअसल जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम को 116 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन टीम इंडिया 116 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई। टीम इंडिया 19.5 ओवरों में 102 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान शुभमन गिल सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर आखिर में 27 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि आपको यह भी बता दूं, इस टीम में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं रहा। जो भारतीय टीम जिम्बाब्वे गई है, इसमें कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं था, जैसे हार्दिक पांड्या, बुमराह, अर्शदीप और सूर्या जैसे खिलाड़ी नहीं थे। बिल्कुल नई टीम थी और 5 मैचों की T20 सीरीज में पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि अभी भी 4 मैच बाकी है। यहां से भारतीय टीम कम बेक कर सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।